ऑलमोस्ट 12-13-15 आर्टिस्ट से मिलना, डेली बेसिस पे मिलना, दो दो घंटे चार चार घंटे उनके साथ मीटिंग करना। बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि पापा के ज़्यादा फोटोज़ थे नहीं हम लोग के पास। उनका डेथ हुआ 2003, और उससे पहले जो भी था तो वो टाइम पे इतने अच्छे DSLR कैमराज एंड ऑल दैट वो सब था नहीं। तो कुछ गिने चुने 12-15 फोटोज़ थे उनके, जिसमें बहुत ढंग से 5 या 6 ऐसे फोटोज़ थे जिसमें कुछ अच्छा फोकस मिल पाए हमको, उनका फेस प्रॉपर मिल पाए। तो वही एक मेन प्रॉब्लम था। तो उसके कारण 12-15-20 जो भी आर्टिस्ट से मैं मिला हूँ उनके साथ जो बात किया है, तो जर्नी चालू हुआ हुआ पर कोई ना कोई आर्टिस्ट के साथ कोई उनके ईगो क्लैशिश में या वहीं पे इधर उधर होते 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 मैं पहुँचा एक वेबसाइट पे विच इज़ कॉल्ड ऑयल पिक्सल। 30-40 पोर्ट्रेट्स मैंने उस पर प्रॉपर देखने के बाद मेरे को इतना कुछ क्लियर हो गया कि यस, मेरा जो विजन है, मुझे जो चाहिए वो आई थिंक सो ये लोग दे पाएंगे। फर्स्ट मैं मिलता हूँ विपुल भाई से, उनसे मिलना बैठना उनके साथ ऑलमोस्ट 2 घंटे 2.5 घंटे तक उनके साथ मीटिंग किया कि ये फोटोज़ है। पापा का जो एक आइकॉनिक स्टाइल हुआ करता था, जैसे उनका खड़ा रहना या फिर जैसे उनका बात करना या फिर उनका एक 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 नेचुरल सा एक सुकून भरा उनका स्माइल था, तो वो एक स्माइल को लेके मैं बहुत काफ़ी कुछ था कि मुझे वही स्माइल चाहिए और उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलेगा। सेकेंड, उनका आइस बहुत पॉइंटेड था, तो आइस आइस को लेके पर्टिकुलरली हमारा पूरा फैमिली बहुत बहुत मतलब बहुत पॉजिटिव था कि वो आइकॉनिकली वही चाहिए जो एक्चुअल में थी। मूछ का स्टाइल है या फिर एक छोटा सा एक उनका यहाँ पे बर्थमार्क था तो वो भी चाहिए था। तो काफ़ी कुछ डिटेल्स के साथ, बट द थिंग इज़ दैट कि हमारे पास ऐसे फ़ोटोज़ थे नहीं। मैंने पर्पस बताया उनको कि कहाँ पे ये लगने वाला है, क्या फादर की आइडेंटिटी थी, वो कितने लोगों के लिए काम करना, ये वो सब कुछ उनको दिखाया, फोटोज़ दिखाया। एंड ही टेक द चैलेंज दैट मैं ये करके दूंगा आपको एनी हाउ। आई डोंट नो, शायद वो भी कुछ मेरे जितने इमोशनल हो गए होंगे एट दैट टाइम। और दूसरा एक छोटा सा प्रॉब्लम ये भी था कि हमें मेरे जो दादाजी हैं उनका भी एक फ़ोटो चाहिए था पीछे उनके बैकग्राउंड में, मोर कॉम्प्लिकेटेड। तो आई थिंक सो 93-94 के आसपास का एक उनका एक फ़ोटो मिला था, बहुत रेयरली उसमें कहीं फोकस था। उसमें भी विपुल भाई ने बोला कि कोई इशू नहीं है, मैं ये करके दूंगा आपको। और जर्नी शुरू होती है 3-4 डेज, मैं भी थोड़ा पॉजिटिव था कि जल्दी मेरे को कुछ आउटपुट दिखाओ कि क्या होता है, क्या बनाया है आपने, क्या बनाया है। इट टेक 4-5 डेज, सडनली मेरा व्हाट्सएप एक बजता है दैट कि हमने फर्स्ट ड्राफ्ट आपको भेजा हुआ है। ऑलमोस्ट उसको 20-22 मिनट 25 मिनट देखने के बाद आई स्टार्टेड क्राइंग। आई फील दैट कि यस, ही स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी। उनको जो बताया गया था दैट कि मुझे ये आइस का डिटेल चाहिए या फिर मूछों का या फिर जो ब्लैक मार्क था उसका या फिर उनका एक हेयर स्टाइल हो या फिर उनका जो एक कहीं पे भी स्टैंड करके खड़ा रहना। इफ़ यू कैन सी कि उनका जो स्टैंड है वो जनरली वैसे ही खड़े रहते थे। उसके बाद थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें हम लोग ने ऐड करवाई दैट पेंटिंग करने दिया था। एट दैट टाइम हमें याद नहीं था कि वो रिंग भी करवाना है, तो वो एक वापस से ऐड हुआ। दादा का फोटो जो बैकग्राउंड पे लगा था, एक माला चाहिए थी तो वो माला वापस ऐड हुआ। एक उनका भी जैसे पापा का स्माइल था वैसा ही उनका एक स्माइल था, तो वो मिला हमें वापस। फाइनली जो एक 20-22 साल से जो एक पापा को देखा नहीं है, बिकॉज आई वॉज 7 तो उतना याद भी नहीं है, बट नाउ आई कैन से दैट कि यस, ऐसे ऐसे कुछ दिखते होंगे, हूब हू जैसे खड़े हैं। इवन दो माई मॉम ऑल्सो सेड दैट कि ऐसा लग रहा है कि 1-2 मिनट बाद बात करेंगे। ये जो एक्सपेक्टेशन लेके हम लोग ऑलमोस्ट 20-22 दिन घूमे थे आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट कि इमोशन नहीं हो रहा था उनको, जो मैं फील करता हूँ वो अगर हूब हू वो आर्टिस्ट फील नहीं करेगा तो वो फील नहीं आ पाएगा जो हमें चाहिए। तो विपुल भाई ने, उनकी टीम ने, ऑयल पिक्सल की पूरी टीम ने, वो मेरा जो भी इमोशन था या मेरी पूरी फैमिली का जो इमोशन था वो एज इट इज़ फील करके उसको पोर्ट्रे किया है। अगर आपका कोई भी, मेरे जैसा आपके पास कोई भी स्टोरी है, जैसे मैंने नहीं दिखाया है मेरे पापा को बट इन्होंने दिखाया है मुझे, तो थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू ऑयल पिक्सल फॉर दैट।